भिंड में क्रांतिवीर 108 प्रतीक सागर महाराज ने बताया कि उनके पावन सानिध्य और मार्गदर्शन में श्री श्री 1008 भगवान आदिनाथ जन्म कल्याण महोत्सव 15-16 मार्च को बद्री प्रसाद की बगिया भिंड में होने जा रहा है, जिसमें 15 मार्च को सुबह दिव्य सत्संग महोत्सव, सायंकाल संगीतमय आनंद यात्रा, रात्रि गर्व कल्याण, इंद्र दरबार इत्यादि और विशेष आयोजन गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज एवं आचार्य सौरभ सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश। इसके अलावा 16 मार्च को सुबह नाभिराय के दरबार में माता मरुदेवी का आगमन, सपनों का फल इंद्र का आसन कंपायमान, नगरी रचना तीर्थ कर बाल का जन्म, इंद्र का तांडव नृत्य, कुबेर द्वारा रत्नों की वर्षा, पालना क्रीड़ा, मुनिश्री के आशीष वचन, जन्म अभिषेक के लिए प्रस्थान, सायंकाल विशेष नाटकीय प्रस्तुति एवं विशेष कार्यक्रम, चैतल्या मंदिर मूल नायक भगवान आदिनाथ का प्रातः 108 कलशों से मस्तक अभिषेक एवं दोपहर भव्य जन्म कल्याणक रथ यात्रा इत्यादि जानकारी महाराष्ट्र ने दी है। और तीर्थंकर ऋषभ देव ने संदेश दिया, ऋषि बनो या कृषि करो। तो जो ऋषि और कृषि की परंपरा भारत देश की पुरानी परंपरा है, और भारत देश की उस पुरानी परंपरा को अक्षुण रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और धर्म बनता है। इसलिए आज वैचारिक क्रांति के माध्यम से आज भिंड शहर में अयोध्या नगरी की तरह भगवान आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन भिंड को ही अयोध्या मान करके जो है उनका जन्म कल्याणक भव्यता के साथ में यहाँ पर संपन्न होगा। इसलिए संपूर्ण भिंड नगर के सभी जैन अजैन, क्योंकि तीर्थंकर किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते हैं, तीर्थंकर संपूर्ण मानव जाति के होते हैं, और जब संपूर्ण मानव जाति के होते हैं तो संपूर्ण मानव जाति को विरासत मिली है तो उस विरासत को हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि कल तो दो दिन जो है 15 और 16 बद्री प्रसाद बगिया में है, 17 तारीख की सभा भी जो है बद्री प्रसाद बगिया में है, यह जो है 16 तारीख को जुलूस जो है दोपहर 1 बजे निकाला जाएगा, वह जो है इसी मंदिर से प्रारंभ होगा, गोल मार्केट सदर बाजार परेड चौराया और फिर परेड चौराया होते हुए जो है बद्री प्रसाद बगिया में पहुंचेगा, जहां पर जो है भगवान का पांडव शिला पर मस्तकाभिषेक होगा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।